जब संगठन का काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव थे गुजरात प्रांत के, और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की वडोदरा कार्यकारिणी हुई थी, उस ऐतिहासिक कार्यकारिणी में मोदी जी के रोल के कारण ही भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक पदों में एक तिहाई रिजर्वेशन माताओं के लिए किया गया। और ऐसा करने वाले मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरी पार्टी सबसे पहली पार्टी है और मेरी पार्टी सबसे अंतिम पार्टी। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, ढेर सारे लोगों को मुख्यमंत्री रहते हुए ढेर सारी भेंटें मिलती हैं, ज्यादा से ज्यादा सभी लोग इसको तोशाखाना में आरक्षित रखवा देते हैं। मोदी जी ने उस वक्त निर्णय किया था और सार्वजनिक घोषणा भी की थी कि जितनी भी भेंट आएगी उसका ऑक्शन होगा और वो बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, सीएम रहते हुए भी उनको प्रधानमंत्री देश की जनता ने चुना। 2014 में उनको प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित करने के बाद चुना हुआ और 30 साल के बाद इस देश की महान जनता ने पूर्ण बहुमत की एक सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का मैंडेट। और जब सरकार बनाने का समय आया तब मोदी जी का स्वाभाविक था कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना, और इस्तीफा देने के बाद ही वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो मुख्यमंत्री पद से जब मोदी जी ने इस्तीफा दिया तब इनके बैंक अकाउंट में माननीय अध्यक्ष जी, भाई उनको जवाब न दो, इनके बैंक अकाउंट में जितना भी मुख्यमंत्री की तनख्वाह से और जितना भी पैसा बचा था वो सारा का सारा गुजरात सचिवालय की वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों की बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए कोई सर्कुलर नहीं था, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया था। यही मोदी जी थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश भर में दिया और गुजरात में उनके प्रयासों से जन जागृति के माध्यम से कोई कानून के बगैर लिंग अनुपात के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर लाखों लाखों बेटियों को पृथ्वी पर आने का अधिकार इस नरेंद्र मोदी जी ने। धूमधक की धूप में मई महीने में पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरी की पूरी सरकार 5 दिनों तक गर्ल चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए गांव-गांव में जाती थी। कोई कस्बा ऐसा नहीं होता था जहां पर सरकार के पदाधिकारी नहीं जाते थे। पंच, सरपंच, जिला पंचायत के सदस्य, तहसील पंचायत के सदस्य, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, सभी लोग जाते थे और बच्चियों को पढ़ाने के लिए, उनके एनरोलमेंट के लिए और ड्रॉपआउट रेशियो के कम करने के लिए, उनको फिर से पुनः दाखला दिलाने के लिए गांवों में निवास करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका परिणाम क्या था? एक और तो लिंग अनुपात में बहुत बड़ा अंतर आया और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो लेगेसी छोड़कर गई थी गुजरात में, उसमें प्राइमरी एजुकेशन में 37% ड्रॉप आउट रेशियो था और मोदी जी जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के आए तब वो 30%